रांची में गिरते तापमान के बीच सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। आगामी लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन को लेकर इंडिया और एनडीए इतिहाद की तरफ से तमाम तैयारियां हो रही हैं। इंडिया इतिहाद झारखंड में होने वाले इलेक्शन के लिए वजीर आला हेमंत सोरेन को अपना लीडर तक तय कर चुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ने को तैयार है। हालांकि बाबूलाल मरांडी की लीडरशिप करने की बात अपोजिशन को रास नहीं आ रही है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में आने वाले इलेक्शन को लेकर खूब गहमा गहमी देखने को मिल रही है। इंडिया इतिहाद हो या एनडीए इतिहाद, दोनों चुनावी तैयारियों को लेकर कमर कसकर जुटे हुए हैं। रैलियां, पब्लिक मीटिंग, जनता दरबार, रोजगार मेला, न जाने कौन कौन से जतन किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात लीडरशिप का मुद्दा, वो भी दोनों इतिहाद तय कर चुके हैं। इंडिया इतिहाद जहां रियासत में हेमंत सोरेन की अगुवाई में चुनावी मैदान में ताल ठोकेगी, तो वहीं एनडीए इतिहाद ने बाबूलाल मरांडी पर दाव लगाया है। भाई तो बाबूलाल मरांडी कर ही रहे हैं अगुवाई। बाबूलाल मरांडी जी 3 महीने से संकल्प यात्रा कर रहे थे, परसों 28 को समापन हुआ जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे। तो भाई अगुवाई तो बाबूलाल मरांडी जी कर रहे हैं, यह स्पष्ट है, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। दरअसल बाबूलाल मरांडी को आगे कर बीजेपी आदिवासी कम्युनिटी को बड़ा पैगाम देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पिछली बार आदिवासी वोटर्स की नाराजगी से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था, लिहाजा बीजेपी इस बार कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन बीजेपी की यह स्ट्रेटेजी अपोजिशन को रास नहीं आ रही है। झारखंड की रूलिंग पार्टियां बार बार बाबूलाल मरांडी को लेकर बीजेपी आला कमान के फैसले पर सवाल उठा रही है। और लोकतंत्र में नेता सर्वोपरि नहीं होते हैं, नेता जनार्दन नहीं होते हैं, जनता जनार्दन होती है। तो ये सही है कि अपना जो अपने अपने तरीके से लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हमारे तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी हैं, तो निश्चित रूप से अगुवाई उनकी होगी। उनके पास अभी कोई है नहीं तो वो कैसे सीधी बात करें। बाबूलाल मरांडी पहले अपना सीट जीत पाएंगे? राजधनवार कंघी छाप से जीत के आए थे पिछले बार ना, हम लोग के गठबंधन में थे, इस बार जीत पाएंगे? बाबूलाल मरांडी नेता हैं, झारखंड की जनता उनको नहीं मानती नेता, और जिनका खुद अपना राजनीतिक जनाधार नहीं हो वो दूसरों की नैया क्या पार लगाएगा। हेमंत सोरेन जाहिर तौर पर एक बड़े आदिवासी लीडर हैं, ऐसे में उनके मुकाबले बीजेपी किसी गैर आदिवासी को मैदान में नहीं उतारना चाहती थी, क्योंकि इसके नतीजे वो 2019 के इलेक्शन में देख चुकी है। ऐसे में 2024 की जंग के लिए बीजेपी की ओर से बाबूलाल मरांडी को लीडरशिप सौंपे जाने की वजह बिल्कुल साफ और नेचुरल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।